हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MAH AAC CET रिजल्ट के बारे में। आपका जो रिजल्ट है कब तक रिलीज किया जाएगा, डाउनलोड कैसे करना होगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखा की वीडियो में। मेक श्योर की वीडियो लास्ट देखें। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं वीडियो लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस रिलेट कोई भी अपडेट मिस ना हो। सिंपली बढ़ेंगे आगे वीडियो तरफ। दोस्तों बात करें जो आपका अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है वो उसके आने की प्रोबेबिलिटी रिजल्ट की वो आपकी रहेगी इन द मंथ ऑफ जुलाई, मिड ऑफ जुलाई में पॉसिबिलिटी रिजल्ट की आने की। जनरली जो रिजल्ट होते हैं ये तो मंथ के मिड में आते हैं या फिर मंथ लास्ट वीक में, और जनरल पॉसिबिलिटी जो रिजल्ट की आने की है वो आपकी रहेगी मिड ऑफ जुलाई। और तकरीबन पॉसिबिलिटी है कि मिड ऑफ जुलाई यानी सेकेंड थर्ड वीक में आपका रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। जनरली जो मिड होता है मंथ का उसमें अपडेट ज्यादा रिलीज किए जाते हैं, और जी न्यूज, हिंदुस्तान टाइम्स जो आजकल अपडेट्स जो पिछले मंथ अपडेट्स ज्यादा आए थे वो मिड के मंथ में आए थे, ये मंथ के लास्ट वीक में। फिलहाल एक्सपर्ट मान के चलेंगे कि मंथ के मिड में आपके आने की पॉसिबिलिटी रहेगी रिजल्ट की। ऑथेंटिक के लिए आप पुराने आर्टिकल चेक कर लीजिएगा 2022-23 के, सेशन डाल के गूगल पर सर्च करेंगे तो अपडेट उस साल के आ जाएंगे कि एग्जाम कब कंडक्ट किया गया था और उसका रिजल्ट कब आया था, वो दोनों डेट्स उसमें दे रखी होंगी आर्टिकल में, पुराने अपडेट्स में मिल जाएगा, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा सेशन डाल के। डाउनलोड कैसे करना होगा, ये पूरा आर्टिकल शिक्षा.com पे अवेलेबल है। होम पेज पे जाएंगे सबसे पहले तो आपको डाउनलोड के लिए, होम पेज पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा ऑफिशियल वेबसाइट के, लिंक पर क्लिक करना होगा और लिंक जो है आपको रिक्रूटमेंट टैब या फिर जो लेटेस्ट अपडेट का सेक्शन होता है वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगा। लिंक पर जब आप फाइनली क्लिक कर देंगे तो एक विंडो ओपन होगी जिसमें आपको लॉगिन करना होगा यूजर आईडी पासवर्ड से, और फाइनल लॉगिन के बाद आपका रिजल्ट शो जाएगा स्क्रीन पर। थैंक यू।